पाकिस्तान ने जब आपके अभिनंदन का जहाज गिराया और वो हाँ इट वॉज फंटास्टिक मूछे बूम 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 मोटरसाइकिल वाली मूछे वाला बंदा इसको गिराया ठीक है और वहाँ पे जो हमारे ट्राइबल एरियाज थे नॉर्दर्न साइड के थे उन्होंने सही कुटाई लगाई हमारी आर्मी ने उसको बचाया ठीक है हमने चाय पिलाई हमने खिदमत की और फिर हमने वापस किया फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान वापस नहीं करता ठीक है इंडिया क्या कर लेता हम लोग न्यूक्लियर पावर हैं दे कांट अटैक अस जो बीच में हो भी रहा था उस टाइम इसी वजह से हुआ दे आई वॉन्ट टू से एंड मैं बहुत अफसोस भी है खुशी भी इस बात की कि देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉमन सेंस एंड दैट इज नॉट कॉमन इन इंडिया इंडिया वाले बड़ी बेवकूफ हैं और बाकी आप सही कह रहे हो उनके सेंटीमेंट्स के साथ कैसे खेलना है क्योंकि वहाँ पे यही चीज चलती है बड़े जज्बाती हैं जरूरत ज्यादा जज्बाती हैं वो लोग और दूसरी चीज है ना जैसे कि यहाँ पे कुछ भी होता आई मीन उनका जैसे हमने खातर तवाजो किया उसको प्रॉपरली तरीके से हमने जो है वो उनको तकलीफ नहीं दी मुझे लगता है कुटाई के बाद हम लोगों ने चाय वाय पिलाई खाना वाना खिलाया सब चीजें की उसके बाद जाके वो वहाँ पर गए उनको अवार्ड की बात कर रही है आप कायना तो वो तो उनको मिलना ही था क्योंकि हम लोगों ने नेगेटिव और पॉजिटिव वाली बात तो करनी है ना क्योंकि वहां पर जब वो गए और उसके बाद उन्होंने एक पॉजिटिव चीज ही अपने बारे में बताई होगी कि यार मेरे साथ तो ये हुआ मेरे साथ तो वो हुआ तो वो तो फिर अवार्ड के नहीं था जो उनके साथ हुआ पूरी दुनिया ने देखा लेकिन मजे की बात है पूरे इवेंट में जिस चीज की दाद देनी चाहिए और पाकिस्तानी राइटर्स को अपना पेपर और पेन तैयार रखना चाहिए क्या स्क्रिप्ट लिखते हैं बालाजी वाले आपको ढूंढ रहे हैं फौरन रब्ता कीजिए ये बात तो वैसे सच है कि देखिए इंडिया का जो है वो कहानियां बनाने में तो कोई मौका और उनकी जो फिल्में होती है सबको पता है कि वो फिल्म जो है वो किस तरह से बनाई जाती है और किस तरह से वो आम जो इंसान है उसके दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी वो ये है एक बंदा जो आया लितर खाए और आपने उसी को अवार्ड दे दिया मतलब जबरदस्त चीज है ये अब उनके पास क्या था उनके पास ना कोई ऑप्शन नहीं था अब ऑप्शन कैसे नहीं था अब अभी मैं हूँ वैसे तो मैं नहीं हूँ अब वो आए उन्होंने लितर खाया अब क्या दिखाते बैनुल अक्वामी जो मीडिया है उनकी उनकी क्या इज्जत रह गई क्या दिखाते कि मैं गया मैंने लितर खाया और बहुत बुरी तरह खाया बहुत खाया आप उसका होलिया देखे जो उसकी वीडियो जैसे ही इंसिडेंट हुआ था उस वक्त जो वीडियो चल रही थी मुझे अब तक याद है कि मैं मेरी हंसी निकल गई थी जब मैं ये न्यूज बता रही थी तब मैं हंस रही थी क्योंकि जो हाल था जो हाल मतलब बहादुरी जो होती है एक बहादुरी होती है बंदा एक सिपाही होता है ना उसमें क्या है सिपाही एक ऐसा होता है जिसमें आपको दिखता है कि हाँ उसका पूरा जो बॉडी लैंग्वेज हर चीज है ऐसा नहीं है किसी ने दो लेकिन आप सबने क्या आप सबने वीडियो में मोदी सरकार के जो टकोसले जिसे हम कहते हैं टकोसले ही कहते हैं कि जो नाटक वो करते हैं मोदी का क्या आपने फेस देखा है मतलब ऑनेस्टली आप अगर वीडियो में फेस देखे नहीं बट सच में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब जब फौज का कोई भी इवेंट होता है तो वो जाते हैं जैसे कि हसन सदीकी जो थे उनको अवार्ड मिला था तो हम प्राउड मूवमेंट है क्योंकि खैर उनके काम ही शेरों वाले थे दो शेर थे और शेरों को जब आप देखते हो तो आप वैसे ही खुश हो जाते हो गीदड़ों में आप खुश नहीं होते तो मैं भी मोदी की इस बात पे रिलेट कर सकती हूँ लेकिन लिटरली वो फेसेस ऐसे थे कि वीडियो में मैं जब देख रही थी तो मैंने कहा शर्मिंदगी है जैसे किसी को बहुत ज्यादा कब्ज हो और उसको रिलीफ ना मिल रहा ये इनके लिए जिंदगी भर का एक स्टिग्मा है मैं ये वीडियो देख रहा था तो पता मैंने क्या रियलाइज किया मुझे पहले लगा कि नई इंडियन फिल्म का ट्रेलर है अभी इधर कैटरीना कैफ आएगी और आइटम नंबर करेगी फिर बरसा पानी और फिर निकल जाएगी फिर स्टोरी कंटिन्यू करना चाहिए था उनको इतना फिल्मी किया हुआ है उसको इतना फिल्मी किया हुआ है शर्म करे पूरी दुनिया को पता है ये पता है क्या करते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्टिग्मा हटाने के लिए ये करते हैं पॉलिसी है लेकिन अगर खुश हो रहे तो होने दो मगर मुझे दुनिया को तो पता है मगर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के बच्चे भी बहुत स्मार्ट है वो हर चीज को जानते हैं लेकिन मुझे एक मिनट बच्चों को छोड़े उनके जो है मोदी साहब हैं जब वो चाय पी के लीडर बन सकते हैं तो उनसे आप किस किस्म के एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो
मैं आपको बताऊं कि चाय का ना बड़ा कनेक्शन है इंडिया का, क्योंकि ये अवार्ड भी अगर मोदी ने दिया है दिलवाया है तो ये खुद क्योंकि खुद चाय वाला है तो वहाँ पे चाय मिली तो वो उस कंपैरिजन में क्या है उसे जाके बोला अपनी कम्युनिटी का है ना, हाँ नहीं वो जिसने जाके बोला टी इज फैंटास्टिक उसको बुरा लगा होगा, मेरी टी को उसने बोला बेकार है, इसने फिर चाय बनाई इसे पिलाई अब बताओ उसको अपना माजी याद आ गया जी जी। लेकिन मुझे लगता है ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत बात के साथ हम ब्रेक पे मैं ब्रेक पे पर्सनली जाना चाहूंगी कि अगर सीखना है शहादत का जज्बा अगर सीखना है शहादत का जज्बा तो आओ पाकिस्तानी फौज के नौजवानों को दें। मैं इसमें एक बात ऐड करता हूँ और ये बात अपने तक ही रखेगा कि हमने ट्रेन करके भेजा अभिनंदन को कि वो जाके अवार्ड जीतेगा और फर्दर वहाँ की इकोनॉमी और एयरफोर्स के जो राज है ना हमने बताया और चाय भी सिखाई है ब्रेक नहीं अभी तक चाय पीने जा रहे हैं चले सबको मुझे लगता है कि कप उठा लेना चाय एक साथ बोलेंगे द टी इज फैंटास्टिक। Welcome back. The tea is always fantastic and will remain fantastic. इंडिया की बात हो रही थी ब्रेक से पहले मैं आपको बता दूं इंडिया का ये एक अलमिया है इंडियंस का ये एक पैशन है कि अपने जीरोस को हीरोज बनाते हैं अपने आगे की जनरेशन के लिए ठीक है खुश रहें लेकिन पूरी दुनिया को पता है हिस्ट्री बुक्स में अब वो जमाना खत्म हो गया है कि बुक्स लिखी जाती थी अब इंटरनेट पे है सब इट्स ऑल अवेलेबल के हु वॉज द लूजर हु वॉज द कावर्ड हु वॉज हु लॉस्ट द बैटल। मैं एक और बात बताऊंगा इंडियंस को चैन नहीं है इनको सुकून नहीं है इनके पास ब्रेसलेट नहीं है इनके पास कुछ भी नहीं है ठीक है द रीजन इज अब चाइना पे इन्होंने साइबन का एक इदारा स्टेट बेस्ड इनकी कंपनी है इंडिया की जिन्होंने साइबर अटैक किए हैं चाइना पे। अब चल ठीक है हमसे पंगा ले रहे हैं चाइनीज से करें वो याजूज माजूज की कौम है खा जाएंगे तुम लोगों को नहीं वो अटैक कर रहे हैं इनके मिलिट्री जो इनके जो सीक्रेट्स हैं मिलिट्री जो कंप्यूटर चीजें हैं उस पर अटैक कर रहे हैं इंडियंस ठीक है इनको शर्म नहीं आ रही इनको डर नहीं लग रहा ठीक है अब और पाकिस्तान पे भी अटैक कर रहे हैं अब लेकिन चाइना तो हमारे साथ खड़े हैं पाकिस्तानी चीनी भाई भाई और फिर चीनी तो अटैक करेंगे फिर आपकी सोच है जो बैट खा जाएंगे तो वो आपका क्या हाल करेंगे आप सोचो तो सही चीनी जो है अब क्योंकि चाइना अब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व इनके पास आ गए हैं ठीक है अब यूएस की भी हट गई यूएस कह रहा है कि अच्छा वो देखें एक सिंपल सी बात है यूएस खुद अटैक कभी नहीं करता ये इंडिया की तरफ से पुश करके चलो बच्चों ये लो ये होता ना एक डॉगी आता है बेटा गुड बॉय मुंह खोलो ये बिस्किट खिलाया अमेरिकन से और ये करते हैं ठीक है इंडिया को यूज करते हैं। अमेरिकन्स ने क्या किया अमेरिकन्स ने कुछ कंपनीज हैं चाइना की उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया उसमें रीजन क्या दिया है कि ये लोग जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर एड प्रोग्राम है उसको एड कर रहे हैं इस वजह से यूएस ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। मुझे समझ नहीं आती वो एक जो है बैलिस्टिक मिसाइल है हमारे पास मिसाइल्स बहुत है हम निकले पा रहे हैं हम कोई बच्चे नहीं है अब वो वाली बात है ना कि अगर आप आगे से थप्पड़ मारेंगे लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि आप आगे से थप्पड़ मारेंगे तो हम थप्पड़ नहीं मारेंगे हम मुक्का मारेंगे तो वी आर दैट पावरफुल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस तो इसी में एक बात पे शेयर अर्ज करना चाहता हूँ चाइना से पंगा इज नॉट चंगा। क्या सस्ते नशे करते हो इंडिया और अमेरिका That's nice. पाकिस्तान को बीच में मत लाना okay. पाकिस्तान को बीच में मत लाना अगर हमारी हट गई लाफ गौरी आया नहीं बट वी आर नॉट पावरलेस वी आर वेरी पावरफुल एंड ये अमेरिका हो जाए इंडियंस हो जाए जो भी है इवन मैं ये नहीं कहता कि कोई और कंट्री है जो दो एंटी पाकिस्तान कंट्री है जो मेजॉरिटी जिनका सेंटीमेंट ऐसा है मैं ये कहता हूँ पाकिस्तानी आर नॉट अ वीक नेशन वी आर द बेस्ट इन वर्ल्ड लेकिन यू नो चाइना का कोई रिएक्शन नहीं आया इंडिया और चाइना का जो ये चल रहा है नहीं, ये ना पहले भी कोशिश की ना इंडियंस ने अब चाइनीज बहुत आगे हैं उनका इकोनॉमी बहुत आगे उनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है तो वो वैसे उन्होंने उनकी जो एक है उनका बंदा जो सेक्रेटरी है जनरल सेक्रेटरी है उनकी जो ऑफिशियल है उनका नाम है चाइयोंग ठीक है पहले तो मुझे ये याद करने में एक घंटा लग गया यहाँ चाहूँ वहाँ पे चाहूँ बात है कि अमेरिका को क्या मसला अमेरिका ने खुद अपने जितने भी नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ तो अच्छा बनाया यूरोप में आप देख लें मतलब अमन ही है ना बॉर्डर तक खुले हुए लेकिन वो इंडिया को भी आपस में लड़ाता है पाकिस्तान को भी आपस में लड़ाता है चाइना को भी लड़ाता है बिकॉज़ उनको पता है कि उसके कॉम्पिटिटिव कंट्रीज कौन से हैं तो दरअसल उन्हीं से रखी जाती है ना जो बारूद का चक्कर बाबू भैया मैं एक इसमें आपको थोड़ी बताऊं वॉर हिस्ट्री एक चीज है
कि कुछ जंग जो कुछ मुल्क होते हैं उनके अंदर ये ऐसे मसले क्रिएट करते हैं सो दैट वो अपनी जो डिफेंस है ना पर्टिकुलर कंट्रीज अपना डिफेंस बढ़ाते रहे और वो फायदा किसको हो रहा है वो यूएस को बिकॉज़ दे आर द बिगेस्ट आर्म डीलर्स इन द वर्ल्ड और अगर जंग हो गई तब भी इनका नुकसान है और जंग नहीं हुई तब भी अमेरिका का नुकसान है तो वो जो एक हिस्टीरिया है ना वो क्रिएट करके रखते हैं ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में पाकिस्तान इंडिया क्या हो गया और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं और यूएस ने तो स्टार्ट से ये एजेंडा सेट किया हुआ है कि जब भी आजादी की बात आए जब यूएन पे आते हैं लोग और आजादी की या किसी भी बॉर्डर जंग के हवाले से बात होती है तो वहां पर तो यूएस ने हमेशा ही जो है वहां पर एक मुद्दा ऐसा छोड़ा हुआ है कि ये लोग लड़ते रहे आपस में लड़ते रहे ताकि इसको फायदा मिलता रहे इससे जितना देखें आपस में ये प्लीज 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 आप लोग ये समझने की कोशिश करें जितना आपस में मुल्क लड़ेंगे उतना जो है वो सबसे ज्यादा फायदा पावरफुल सिर्फ अमेरिका होता जाएगा और वो बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है नहीं अब तो अमेरिका से ऊपर और भी बहुत सारे कंट्रीज आ रहे हैं अब अमेरिका की वो ताकत नहीं रही जो कुछ साल पहले थी हम टकरा रहे हैं उनसे हमने हमारे जहाज बिक रहे हैं अच्छी बात है और हिस्ट्री होता रहे हम लोग अमीर होते रहे अमेरिका को टक्कर देने के लिए और बहुत सारे मुल्क आ गए रेस में वो अपने आप को जो समझता था ना कि हमने होशियार और हमें और हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं ले सकता बट आगे आ रहे हैं लेकिन अनम वही वाली बात है ना कि अमेरिका सबसे ज्यादा टेबल टॉक पीस टॉक की बात करने वाला इंसानियत की बात करने वाला औरतों की राइट्स की बात करने वाला सबसे ज्यादा हम सबको पता है ये बात मुझे लगता है कि स्क्रीन पे बैठ के करने की भी नहीं है कि सबसे ज्यादा इनकी फौज ने इराक में क्या किया था जो औरतों के हकूक की बात करते हैं लेकिन वो खैर बहुत ही डिफरेंट डिबेट है बट वही वाली बात है कि चाइना हो इंडिया हो सबको यूज किया जा रहा है हम तो समझदार हैं हम अपना साइड पे लेके हमारे साथ तो वो पंगा नहीं लेगा बहुत आदत है कॉपी करने की वो अगर किसी भी कंट्री में जाते हैं उसके मजहब की तारीफ करते हैं उसकी चीजों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं सेंटिमेंट्स बढ़ाने के लिए ये बड़े स्मार्ट लोग हैं बट वो ये कि ओवर स्मार्ट भी हो गए हैं और मुनाफिक सबसे बड़े हैं इंडिया को तो मुंह की खाने की आदत हो गई है अभी आपको पता है चाइनीज ने लद्दाख के बॉर्डर पे क्या हाल किया था अभी फिर भी इनको ये चीज समझ में ही नहीं आ रही कि कितनी दफा वो अपनी इंसल्ट करवाएंगे और वो चीजों को आगे लेकर चलेंगे जा रहे थे इनकी आर्मी ना और चाइनीज की टेरिटरी जो लगती है वहाँ पे चाइना और इंडिया के बॉर्डर के बीच में तो वहाँ कुछ नहीं कुछ करते वो लोग आगे और आगे आगे चाइनीज तब उन्होंने देखा जाजू माजू आगे हमें खा जाएंगे ये भाग है ठीक है ये सब भाग ये भागती क्यों है ये हमेशा भगोड़े ये एक तो गंदे घोड़े हैं उसका भगोड़े हैं ये जो होते ना खत्म घोड़े जो मतलब यूं ही चल रहे हैं वो हमेशा भागने वाली है और मैं आपको बता दूं इन लोगों ने रिएक्शन क्या दिया ये बदला लिया इन्होंने इन्होंने क्या बदला लिया इन्होंने चाइनीज जितनी भी ऐप्स बैन कर दी बस ये जनरल बख्शी जो भी इनके वो सिर्फ बैठ के स्क्रीन पे यही बात करते हैं और लद्दाख की बात मैं थोड़ा मैं भी इस पर एड ऑन करना चाहती हूँ होशियार ने बहुत खूबसूरत हमें वैसे दोबारा से कहीं ना कहीं हमें उस चीज को रिकॉल करवा दिया है कि लद्दाख में सिर्फ फेंटी नहीं लगी सिर्फ फेंटी और लिथर नहीं लगे लद्दाख के बाद जो है चाइनीज ने कहा कि इंडिया के साथ किसी भी हमदर्दी का और जो मुआयदा है हमदर्दी में जो आपके करते हो कि चलो ठीक है आ जाओ अब कोई नहीं पहले इनको गांव तक आने देते थे कि ये कहते थे कि हम यहाँ तक आने थे उसके बाद मोदी के साथ उन्होंने ट्रेड सिस्टम तक पे अफेक्ट हुआ जिसपे इंडियन ही लोग जो है मोदी के अगेंस्ट हो गए थे कि ये क्या करेगा मुल्क को एक टाइम पे दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी ये बात तो आपने सही कही कहा ना तो मैं आपको बताऊं कि जब ये रियल में बॉर्डर पर नहीं जीत पाते ना तो ये क्या कर रहे हैं कि अब ये साइबर हमलों पर आ गए और ये साइबर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं वेबसाइट वगैरह हैक करके अपनी फालतू की बकवास जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं सीरियसली प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाओ जो चीयू है हमारा उन्होंने पूरी ये रिपोर्ट दी है जिसमें स्टेट बेस्ड इंडियन कंपनी है जिसने ये अटैक करने की कोशिश की आईपी एड्रेस वगैरह सब क्लैरिटी हो गई है उन्होंने बोला ये पहले भी कर चुके हैं ये पता है क्या चाहते हैं ये इनके पास देखिए एक तो होता है जज्बा लड़ने का वो नहीं है इनमें ये जो एक इस्लाम में हमें इमानत है कि हम अगर जंग में जा रहे हैं और हमें शहादत नसीब होगी तो उस वो जो मोटिवेशन मिलती है ना वो इनमें नहीं है वो एक 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 सेइंग भी है कि एक इंडियन आर्मी सोल्जर और एक पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर आपस में खड़े हुए थे तो इंडियन ने बोला कि तुम लोगों को मौत का खौफ नहीं है बोलता हमें अल्लाह का खौफ मतलब कि हमें मौत से डर नहीं लगता हमें अल्लाह से डर लगता है तो उनका कॉन्ट्री इनके देखिए एक सिंपल सी बात है मुझे हंसी भी आती है बात बोलते हुए कि उनके इंडियन सोल्जर्स हैं वो अपनी वीडियोस खुद बनाते हैं कि पतली दाल दी है हमें रोटी नहीं दी है ये नहीं दी है और देखिए फिजिक भी आपको देखें वाघा बॉर्डर पर चले थे आप अगर आपने देखा हो कि दोनों कंट्रीज के जो लोग होते हैं जो पूरा मार्च कर रहे होते हैं डिफरेंस ही है अलग है हमारे मतलब माशाल्लाह खूबसूरत बिल्डर्स और वहाँ पे वो लोग जो है वो कांगड़ी है
और बहुत अजीब से पत्ते सूखे मारो उड़ रहे हैं. एग्जैक्टली यार, हमारे यहाँ पे आप देखें जो है वो कितने माशाल्लाह से हट्टे कट्टे हैं, वाकई जस्टिस करते हैं अपनी ड्यूटी के साथ. और इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ के तो लोग ऐसे हैं कि उनको आप सही बोल रहे हो फूक मारो तोड़ जाए, और पता नहीं मुल्क के कैसे दिफा के लिए वो बैठते हैं करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता. और सबसे ज़्यादा आपको पता है हैरानगी की बात कि सबसे ज़्यादा सुसाइड्स भी वही करते हैं, डिसअपॉइंट होके या फिर डिसहार्ट होके. तो जो पहले अपने आप से एक खुद की जंग नहीं लड़ पाते तो मुल्क के लिए कैसे जंग लड़ेंगे, ये ताज्जुब की बात. बिल्कुल सही कहा आपने, ब्रेक का टाइम हो गया है. ब्रेक के दौरान हम काफी लेथर मारेंगे ऑनलाइन इंडियंस को. तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. आज मैं एक और बड़ी अलग सी न्यूज लेकर आई हूँ जो कि अभी रिसेंटली ही इंकशाफ हुआ है. क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट हैं या दुनिया भर के साइंटिस्ट मान लें या जितने भी माहिरीन हैं, वो हमेशा किसी ना किसी ऐसी तकदो में लगे रहते हैं कि कुछ नायाब या कोई इनोवेटिव चीज हमें पता चले और पूरी दुनिया के साथ शेयर की जाए. क्योंकि जो चीज हमें दस्तयाब है उसकी तो हमें कदर है नहीं, जो नहीं है हमें उसकी खोज में लगे रहना, ये तो इंसानी फितरत होगी. चले लेकिन कुछ चीजें इंसान के लिए अच्छी भी साबित होती हैं, कुछ नहीं होती. तो इसी तरह की एक नई बड़ी मजेदार सी रिसर्च सामने आई है और ये बड़ी ऑथेंटिक बात है कि जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारे सितारे हैं अपनी अर्थ के अलावा, लेकिन मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जिसके बारे में आप सबने आई एम श्योर पढ़ा होगा, आप सबको भी पता होगा. अब मार्स को लेके एक नई चीज सामने आई है कि मार्स पे हम अर्थ के बाद इंसान अब अपना दूसरा घर मार्स बना सकते हैं. लेकिन कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा. एक मिनट मैं ग्लू निकालूं. जी, अब जो हमारी अर्थ है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो ब्लू कलर का होता है, जैसे कि हमारे गाने बनते हैं नीले नीले अंबर पे चांद जब आए. तो मार्स जो है उसका जो एटमॉस्फेयर है, जैसे यहाँ पे दिन होता है तो हम ब्लू स्काई देखते हैं, अब मार्स पे जब दिन होता है तो वो रेड होता है. तो उसको हम रेड प्लैनेट या लाल सितारा भी कह सकते हैं मार्स को. तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब मार्स पे गाना बनेगा तो क्या बनेगा, सुर्ख सुर्ख अंबर पे. ये बिल्कुल ही मजे का नहीं लगेगा, नीला ही अच्छा लगता है. लेकिन खैर, ये जो लाल प्लैनेट है, अब अर्थ की एक बड़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है कि जैसे हम यहाँ पे चलते हैं जमीन में, एक ग्रेविटी है, एक ताकत है. वो जो ताकत है वो कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में, गानों में लोग यूं ऊपर उड़े होते हैं, तो वो इसलिए उड़े होते हैं क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती. अब मैं यहाँ से एक कप नीचे फेंकूंगी तो नीचे उड़ेगा नहीं, नीचे जमीन पर जाएगा. ठीक है, तो अब वो जो मार्स है या बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल भी नहीं है. तो वहां पे अगर हम जाएंगे तो उड़ने लग जाएंगे, हम वहां पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे. तो अभी जो रिसेंटली साइंटिस्ट ने दरियाफ्त की चीज वो ये पता चली है कि मार्स पे जो ऑक्सीजन भी है, इतने ऑक्सीजन है कि जिससे इंसानों का गुजर बसर हो सके. और दूसरा जो है वहां पे आइस बन चुके, जैसे हमारी ये नॉर्मल सरफेस है जमीन की, तो मार्स की जो जमीन है वो सारी आइस बनी है, फ्रीज हो चुकी. क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन जो है, एक तो ऑक्सीजन है बट कम है, नंबर टू जो सबसे मेन पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसकी बहुत ज्यादा कमी. अब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे आप लोग सोचेंगे इतना जोर क्यों दे रही हूँ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो सोलर विंड्स को या फिर वो पार्टिकल जैसे कि स्टेरॉइड्स हो गए, वो जैसे दूसरे सितारे से आए और अगर हमारे सितारे को टच करके उसको तबाह करने की कोशिश करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसलिए सबसे अहम किरदार अदा कर दिए. किसी भी प्लेनेट पे अगर आपको जिंदा रहना है तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का होना बहुत जरूरी है, ताकि हम चल फिर सकें, आम जैसे हमारी बाकी जिंदगी की चीजें होती हैं वो सब नॉर्मलाइज हम कर सकें और रह सकें. अब वहां पे जो वो फ्रीज हो चुकी है पूरी जमीन, आइस की लेयर बन चुकी है, अगर साइंटिस्ट का कहना है कि हम आर्टिफिशियल तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इंस्टॉलेशन करवा देते हैं उस प्लेनेट में, तो इंसान वहां पे रह सकते हैं. 4.2 बिलियन इयर्स अगो साइंटिस्ट का ये मानना है कि वो जो मार्स है वहां से ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और अब उसको लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज अगर हम उसको किसी तरीके से कामयाबी हासिल कर लेते हैं उसको आर्टिफिशियल तरीके से वहां ले जाने में. तो आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंसान के रहने के लिए कितनी जरूरी है, ना कि सिर्फ वो बाकी चीजों को नॉर्मल करने के लिए, इवन के जो सन से हार्मफुल रेज आती है उसको भी प्रोटेक्ट करती है. तो और वो जो 4.2 बिलियन ईयर्स अगो वहां से खत्म हो चुकी है अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो उसके बाद जो मार्स है वो अपना हर मिनट हर सेकंड किलोग्राम्स के हिसाब से अपना वजूद खोता चला जा रहा है. तो अगर इसको अनकरीब अगर हम चाहें इस पे, क्योंकि मुझे वैसे ये बात, मैं जब इसके बारे में रिसर्च कर रही थी सना, तो मुझे बहुत अजीब सी लगी कि अच्छी खासी हमारी एक प्लैनेट है अर्थ, हम उससे क्यों ट्रांसफर होकर किसी और सितारे पे जाएंगे. लेकिन अगर
जैसे कि कहा जाता है हमें नहीं पता है दुनिया कब तक एग्जिस्ट करती है, तो अगर यहाँ पे ऐसे कुछ मसले मसाइल होते हैं कि इंसान का ह्यूमन यहाँ पे नहीं सर्वाइव कर पा रहे, तो हमारे पास फिर एक और प्लेटफॉर्म है, दैट इज मार्स। आई हैव अ क्वेश्चन, आर यू सेइंग कि जो साइंटिस्ट हैं वो उस इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको रिवाइव करेंगे या पर्टिकुलर एक आर्टिफिशियल इंस्टॉल करेंगे? रिवाइव नहीं हो सकती, वो तो खत्म हो चुकी है ना 4.2, तो आर्टिफिशियल तरीके से इंस्टॉल की जा सकती है। समथिंग मैं आपको बताऊं कि मैंने भी इस चीज के जो है मुतालिक की रिसर्च की थी, तो हकीकत बात है कि ये आपके पास जो है, देखिए आपने ये कहा कि हम अर्थ में रहते हैं ना, आपको पता है कि ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है कि जो हमारे प्लैनेट होते हैं वो ऑटोमेटिकली जब उनका एक मुद्दत पूरी हो जाती है वो ब्लास्ट हो जाएंगे, मतलब फना, जिसे कहते हैं फना होना, और ये तो हमारा इस्लामिक वैसे कुरान में भी जिक्र है कि फना हो जानी हर चीज। तो जो जितने भी ये साइंटिस्ट हैं उनका ये है कि उनको भी अच्छे से ये चीज पता है, उन्होंने भी रिसर्च की, उनको पता है कि कभी ना कभी किस मुद्दत के बाद ये प्लेनेट जो कि फना हो जाना है। अब इस किस तरह से जो है वो दूसरी जगह पर हम अपना तमाम तर गुजर बजर कर सकते हैं, आपको पता है ये चीज के चांद के अंदर आपकी जमीन, आपके नाम से जमीन आप खरीद सकते हैं जी, वो उन्होंने बकायदा जो है वो अब ये कर लिया है कि अब अगर कुछ लोग जो है वो अगर चांद पे अपनी जमीन अपने नाम का एक टुकड़ा खरीदना चाहते हैं, अपने महबूब के नाम का टुकड़ा खरीदना चाहते हैं, तो वहां पर जो है वो एक टुकड़ा जो खरीद सकते हैं। और सना दूसरी चीज ये है कि हम लोग महबूब आपके कदमों में क्या करें हम लोग, और मैं भी आपको आज के महबूब एडवांस से चांद पे लेके जाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों इंडियन पता नहीं याद क्यों आ जाते हैं, यहाँ पर भी मैं कहूंगी इंडियन इतने फेक होते हैं कि उनके जो ड्रामे होते हैं, एक क्लिप बहुत वायरल हुआ था उसमें वो लड़की कहती है मेरे ये चांद का टुकड़ा ले आओ, और वो बेवकूफ कार में बैठ कर चांद का टुकड़ा लेने भी पहुंच गया, और वो ले भी आता है कहाँ से, बाजार से, हाइपोथेटिकल पॉइंट है। हां एग्जैक्टली, रस्सी डाल के उसने खींचा। तो मैं ये फिल्मों में ये लोग जैसे कि अभिनंदन को स्टार बना देंगे, उसकी बायोपिक आएगी और उसने कोई चार पत्ते जो थे ना, हाँ। जो असल में चार पत्ते हैं, वो चार एयरक्राफ्ट को तबाह करेगा, उसके बाद फिर उस पे फिल्म बनेगी। और ये तो सारी फिल्मी दुनिया की बातें हैं। और दूसरी बात ये है कि अनम की बात से मैं छोटी सी एक बात ऐड करूंगी कि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड्स में मैंने एक बात की थी कि 2025 में जो है वो यहाँ पर हम लोग नहीं होंगे, हम लोग जाएंगे मार्स पे और वहीं पर ही सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये है 3 साल जो आने वाले हैं। यस, नॉट द होल ह्यूमन रेस, बट एक पर्टिकुलर कोई 50-60 लोग जाएंगे, वन वे ट्रिप होगा, वहीं रहेंगे। एग्जैक्टली, जैसे कि सबको पता है हमारे यहाँ पर, लेकिन जो ऑडियंस में देख रहे हैं या जो बच्चे, छोटे बच्चों के लिए अगर मैं सादा अल्फाजों में समझाना चाहूँ कि 9 planets में से मार्स जो है वो चौथे नंबर का प्लैनेट है, ठीक है। सो फ्रॉम द सन जो है मार्स सेकंड स्मॉलेस्ट जो है प्लैनेट है। तो इसी के साथ साथ मुझे, मतलब मुझे सिर्फ ये बताना था कि मार्स के बारे में जैसे लोगों को, अक्सर लोगों को, बच्चों को या सादा अल्फाजों में समझाने के लिए कि एक तो ये कि खुदा ने कहा है, अल्लाह ने कहा है कि तहकीक करेंगे जो साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट भी कहीं ना कहीं हम जो साइंस को जस्टिफाई करते हैं क्योंकि तहकीक करने के लिए हमें कहा गया है, और जैसे कहते हैं ना इल्म हासिल करने के लिए सेम ये। आई वुड लाइक टू से जैसे कि साइंस जो है ना दिन-ब-दिन तरक्की करती जा रही है, जैसे पहले था मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेप्टून, और वो जो एक डॉगी कार्टून थे उसके नाम क्या था, प्लूटो। तो वो जो प्लूटो था वो अब स्टार है, इट्स नॉट अ प्लैनेट, लोगों को अब जाके रिसर्च हुई है। ऐसी बहुत सारी चीजें, आपने मून की बात की, मून में जो सॉइल है उसके अंदर जो ऑक्सीजन पाई गई है कि मतलब मून से 1,00,000 साल तक आप वहां पे ऑक्सीजन क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर सॉइल में। अगर आपने देखा हो, हम स्पेस की बात कर रहे हैं, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, हम एलियंस की बात क्यों ना करें, इसी साल जनवरी में 2021 के जनवरी में आपने देखा होगा कि पंजाब में साइटिंग्स थी UFO की, ऐसी बहुत सारी साइटिंग्स थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, देखें NEIL और आर्मस्ट्रॉन्ग A, यूजली तब इंग्लिश में या अमेरिका में नाम दिया जाता है, तो सेकंड जो सरनेम होता है उसका फर्स्ट लेटर ले लेते हैं। अगर आप NEIL और A उल्टा पढ़ें तो क्या होगा, एलियन। एग्जैक्टली, और ऐसे मैं आपको एक और मजे का बताऊं कि इन दिस आई डोंट रिमेंबर द ईयर, शिमला इफ आई एम नॉट शिमला, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग द नेम, तो उधर एक एलियन आया था। ये एक बड़ी थ्योरी है, यू हैव नो आइडिया, वो एलियन आया था एंड इट UFO उसकी थी, और वो आया और उसने फिर एक फैमिली थी, पर्टिकुलर एक बच्चे की हेल्प की है बहुत, ही कुडंट सी, उसकी आईसाइट ठीक हो गई, वो बहुत कमजोर था, उसकी बॉडी बन गई, मतलब अच्छी खासी मसल्स बन गया। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ कि उसका जो खाना था ना, जो रिसर्च आई थी, जो मैंने देखा, जो उसमें थी कि वो धूप से चलता था और बात बात कहता था धूप, बट आई एम टेलिंग यू कि अगर पाकिस्तान में एलियन आ गया
पता क्या करेगा, वो भीख मांगता रहेगा हमारा मोटवा में दे दो, बिकॉज पाकिस्तानी ना, आई एम टेलिंग यू, एलियन को बेवकूफ बना देंगे. एलियन रो रहे होंगे, वो एलियन लड़ रहा होगा कि नहीं यार ये जो खान भाई अभी जूता महंगा दे रहे हो सस्ता दो, वो बोलेगा नहीं पीछे से इतना ही आता है, एलियन ले भी लेगा. बट हैविंग सेड दैट जोक्स असाइड, कि हमें नहीं पता अभी आगे कौन सी, देखिए हमारा रिलीजन तो नहीं कहता कि और भी कोई मखलूक है, मे बी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, के जो और भी मखलूक हो सकती हैं, एलियंस होंगे डिफरेंट, मे बी हमें टकराए शायद रोबोट हो टेक्नोलॉजी हो, बट हैविंग सेड दैट या ब्रेक का टाइम हो गया है, बिफोर हमें यहाँ पे कोई यूएफओ दिखे ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में. और ब्रेक पर जाने से पहले जो है वो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो आज शेयर कर रहे थे. अब बैक टू द पॉइंट, मास्क की भी बात हो गई और इंडिया की भी बहुत बात हो गई, अब आते हैं जी पाकिस्तान पर, कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है. आप सबको ही पता है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान में जो है पेट्रोल को लेकर बहुत गहमा गहमी छाई हुई है, और हमने बहुत बड़ी बड़ी कतारें भी देखी कि पेट्रोल के लिए जिस तरह से हमारे जो आवाम है वो रुले हैं. बहुत ज़्यादा अफसोस की भी बात है कि आवाम किस तरह से परेशान हो रही है, किस तरह से आवाम को परेशान किया जा रहा है. लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस वजह से आप लोग रात दिन दिन रात आप जो है वो हुकूमत को तनकीद करते हैं, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं, और उनको कहते हैं कि हुकूमत ने आज दोबारा से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया, दोबारा से आप कहते हैं कि अब जो है वो हाई स्पीड डीजल की कीमत में इजाफा हो गया है. सुई सॉदर्न गैस कंपनी को कोई टारगेट नहीं करेगा, पेट्रोलियम जो एसोसिएशन है उनको कोई टारगेट नहीं करेगा, हमारी जो आवाम है वो सिर्फ एक ही चीज़ को टारगेट करती है, वो है जी कि हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने जो है वो इतना पैसा इस पर बढ़ा दिया और इतना पैसा इस पर बढ़ा दिया. मैं यहाँ पर ये भी बताऊँ कि दिसंबर के अंदर दोबारा से आपकी जो कीमतें हैं पेट्रोलियम मसनूआत की वो बढ़ने वाली है. क्यों बढ़ने वाली, अब मैं आपको इसकी हकीकत बताती हूँ कि आखिर बढ़ क्यों रही है चीज़ें. क्योंकि हम, मुझे भी अफसोस हुआ कि हम जब हुकूमत को तनकीद करते हैं तो इसके बैक पर नहीं देखते कि हुकूमत अगर कोई फैसला कर रही है उस पर कितना प्रेशर है, किस तरह से, क्योंकि ये चीज़ें हैंडल हुकूमत कर रही है, हम आप नहीं कर रहे, हमें सिर्फ वो पता होता है जो हम देख रहे होते हैं. अब मैं आपको बताती हूँ जी कि पेट्रोलियम एसोसिएशन जो है, जितने भी ये डीलर्स होते हैं खास तौर पर, उनको क्या होता है कि वो अपना मार्जिन रखते हैं. वो पेट्रोल जब लाते हैं तो उसमें से इतने परसेंट वो अपना मार्जिन रखते हैं, इतने परसेंट उस पर सेल टैक्स लगता है, और इतने परसेंट हुकूमत को मिलता है, और फिर जाकर हमें मिलता है. मतलब टैक्स लग लग के, आपको पता है हर चीज़ पर टैक्स लगता है, टैक्स लग लग के हमें वो चीज़ मिलती है. रिसेंटली अभी क्या हुआ, इन दोनों का, हुकूमत का और जो ये पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है, इन दोनों का आपस में जो है वो बनी हुई. अब क्यों नहीं बनी उनका, इसलिए कि उन्होंने कहा कि अब हमें जो मुनाफा मिल रहा है वो कम है. इन्होंने कहा डीलर्स ने, हमें जो मुनाफा मिल रहा है वो कम है, काइंडली हमारा मुनाफा आप लोग हमें बढ़ा कर दें. अब जाहिर सी बात है जहाँ इतनी सारी चीज़ें महंगी हैं वहाँ अगर आप पेट्रोल की उनको मुनाफा बढ़ाते हैं तो आपकी कीमतें और बढ़ जाएंगी. मतलब जो हमें मिल रहा है पेट्रोल तो वो हमें मजीद महंगा पड़ेगा. और उन्होंने ये कहा, जो डीलर्स हैं उन्होंने कहा कि आप हमें मुनाफा जो है वो हमारा बढ़ा कर दें, और जो मुनाफा हमारा आप बढ़ा रहे हैं उसकी जो कीमत आपने रिकवर करनी है वो आप आवाम से रिकवर करें, मतलब पेट्रोल की कीमत को बढ़ा कर रिकवर करें. अब आप ये देखें कि हुकूमत पर प्रेशर आ गया. जब हुकूमत ने इनकार कर दिया कि जी हम ये आपका मुतालबा बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे, हमने आपकी बात में बात को तस्लीम नहीं करना है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐलान किया, जितने भी ये डीलर्स हैं इन्होंने ऐलान किया कि हम हड़ताल कर देंगे. यानी कि पूरे जो है जितने भी पाकिस्तान में पूरे जितने भी जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको हम सील कर देंगे, उनको बंद कर देंगे, यानी कि आवाम को पेट्रोल नहीं देंगे. जब भी आपको कोई बात किसी से मनवानी होती है ना तो आप इसी तरह की धमकियां देते हैं. फिर जो है वो जो हमारे वजीर हैं हमाद अज़हर, उन्होंने जो जो है वो मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात के बाद ये फैसला जाकर किया गया कि अब जो है वो 99 पैसा पेट्रोल पर, 99 पैसा जो है वो अब जो ये पेट्रोल एसोसिएशन जो है जो डीलर्स हैं उनको मज़ीद इजाफा किया. और अब इन्होंने, मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो मुतालबा उन्होंने किया था उसमें बात जो तय पाई वो थी 99 पैसे की, कि उनकी हुकूमत ने कहा हम आपको इजाफा मजीद जो है मुनाफे में 99% का कर सकते हैं. लेकिन 99 भी कैसे होगा कि अब जाहिर सी बात है
निन्यानवे पैसा। अब ये कैसे होगा? पर लीटर पर, पर लीटर पर 99 पैसा मुनाफा जो है वो डीलर्स को मिलेगा। अब ये जी, अब जाहिर सी बात है ये चीज़ जब भी कोई बिल पास होता है तो वो काबीना से होता है। अब ये बिल अब तक मंजूर नहीं हुआ है, जब काबीना करेगी तो काबीना फैसला करेगी। एक चीज क्लियर करने कि आपने बोला 99 पैसा फायदा होगा, ये ऑलरेडी उनको जो है मुनाफा हो रहा है उसमें ये मजीद ऐड, क्योंकि उनका मुतालबा था ना कि हमारी मांगे पूरी करो, हमें और मजीद मुनाफा दो। तो ये जो है वो अब तो इन्होंने 99 पैसा जो है वो हुकूमत की तरफ से ये तय पाया कि अब जो डीलर्स है उनको 99 पैसा मजीद दिया जाएगा, लेकिन काबीना की मंजूरी के बाद। अब जी आते हैं कि ये लोग जो है वो कितना मुनाफा पहले ही ले रहे हैं। इनका ये तासुर है कि हम भाई पाकिस्तान के अंदर सबसे कम जो है मुनाफा हमें मिलता है, बाकी के जो कंट्रीज हैं हमें उनमें बड़ा मुनाफा मिलता है, हमारी यहाँ की जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो हमारे हक नहीं दे रही, हमें मुनाफा नहीं दे रही। इसमें मैं आपको दो चीज़ें और बताती हूँ जी। इंडिया के अंदर आप जाएं, इंडिया के अंदर ये जो डीलर्स होते हैं उनको इतना कम मुनाफा होता है कि वो उनको जो है वो 3 पैसा समथिंग उनको इंडिया में इजाफा हो रहा है। पैसा 3 पैसा समथिंग जो है 3 रुपए जिसे कहते हैं ना, 3 रुपए चाराने पैसे अगर लगा दें तो 3 रुपए चाराने पैसे उनको इंडिया में मुनाफा हो रहा है। ठीक है, अब ये इंडिया में इतना कम कमा रहे हैं लेकिन इनके जो मुंह है वो बिल्कुल सील हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं इंडिया में। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मेरे ख्याल से हुकूमत को बड़ा ही एक सख्त एक्शन इनके ऊपर लेना चाहिए कि जिस तरह से ये अपनी मनमानियाँ गुंडागर्दी पर उतर आए हैं पेट्रोल देने के चक्कर में। अब ये पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान में जो है वो इनके पहले ही जो है वो 3.5 रुपये आप कह दें, वहाँ पर तो बिल्कुल चराना था लेकिन यहाँ पर जो है वो 3.5 रुपये का उनके पास पहले पर लीटर पर इजाफा जा रहा था, उनको मुनाफा मिल रहा था। लेकिन अब इनको और ज़्यादा इनके पेट भर गए, इनको इन्होंने कहा कि हमें और ज़्यादा चाहिए, तो इन्होंने अब जो है वो मांग कर दी। और मांग करने के बाद अब जो है, अब जो रिसेंट इनको इजाफा अगर काबीना ने मंजूरी दे दी तो इनको होगा 4 रुपये समथिंग पैसे, मतलब 4.98 रुपये हो गए या 4.5 हो गए ऐसे समथिंग हो गए। लेकिन आप ये देखें कि कौन से जमाने की है, मैं आपको बता रही हूँ बेसिकली जो कैलकुलेशन होती है उसमें आप इसी तरह से पैसा लगा सकते हैं। तो आप जो है वो मतलब आप ये देखिए कि 3 से 4 तक वो यहाँ पर पहुंच गए, और इसका जो हर्जाना है वो किसको जाएगा, वो अवाम जो है हमारे उनको, हमें क्योंकि हमारा पेट्रोल जब उनका मुनाफा बढ़ता है तो हमारा पेट्रोल बढ़ता है। ये चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी, इसमें हुकूमत का कसूर नहीं होता। इसमें जो कसूर होता है वो होता है जी ये पेट्रोल डीलर जो होते हैं ना एसोसिएशन, उनका कसूर होता है कि वो मांगे ज़्यादा करते। अब मैं आपको एक और चीज़ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ कि इनको जो है वो कितना मुनाफा अभी हो रहा है। अभी इनको आप ये बताएं कि एक एरिया के अंदर कितनी सारी पेट्रोल पंप, आप तमाम लोगों को पता है कि ब्रांचेस होती है, एक ब्रांच के अंदर भी एक दिन के अंदर वो 3-4 लाख रुपए कमा रहे हैं। अभी मैं एक उसके मुताबिक बता रही हूँ कि 3-4 लाख रुपए एक अंदाजे के मुताबिक वो वहां से कमा रहे हैं। अब उनको एक ब्रांच से इतना मिल रहा है तो आगे आप लगा दें कि पाकिस्तान के अंदर टोटल कितनी और कितना मुनाफा मिल रहा है, खुदा मानो तुसी यार। अब आखिर में ये चीज़ मैं ऐड करूं कि इनको जो है इतना मुनाफा मिल गया, इसके बाद अब इनके दिमाग में ये है कि ये और ज़्यादा लें। अब ये करप्शन भी मैं आपको बताती हूँ, मैं इतनी पक्की चीज़ बता रही हूँ आपको, ये मैंने बेसिक चीज़ बताई है आप लोगों में से किसी को भी अगर मुझसे रब्ता करना है तो आप जी शो के बाद कर सकते हैं। ये क्या कैसे करें, मैं व्हाट्सएप में बता रही हूँ, फेसबुक पर मुझसे रब्ता करना। अच्छा मैं आपको बता दूँ अब ये करते क्या है जी। अब ये करते ऐसे हैं कि ये जो है ये चीज इतनी बेसिक इतनी हकीकत है, जो पंप्स लगे होते हैं पेट्रोल पंप्स है उसमें जी एक टेक्निकल बंदा होता है, एक टेक्निकल बंदा होता है जो आपको इतनी बड़ी मशीन दिख रही होती है ना मशीन, आप ये देखें आप जाए कभी बोतल लेकर यूं जाए बोतल, आप कहें इसमें पेट्रोल दो, वो कभी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वो पकड़े जाएंगे। आप कहें किसी भी चीज पे आप कहें कि हमें इसमें दे दो, वो नहीं देंगे, वो पकड़े जाएंगे ना। एग्जैक्टली, आपको जो मीटर होता है उसको इस तरीके से सेट करते हैं कि आप आवाम को पूरा पेट्रोल भी ला दो, आपने उससे पैसे भी हड़पने। आप मतलब एक तो आप इस तरह से नकली जो है वो कैलकुलेशन के हिसाब से आवाम को लूट रहे हैं, फिर आप इस तरह से जो मुनाफा बढ़ाकर आवाम को लूट रहे हैं, उसके बाद जो आपके पास वहाँ काम करते हैं जो मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं उनकी अगर सैलरी की बात करूँ तो एक मजदूर से भी कम उनको आप इनकम दे रहे हैं, आप कर क्या रहे। और दूसरी चीज ये है सना कि लास्ट डेज में आपने देखा होगा कि पेट्रोल का कितनी प्रॉब्लम हुई, आई मीन पेट्रोल पंप पे इतना रश लगा हुआ था और दूसरे दिन ही उन्होंने बताया कि जी ये सारे पेट्रोल पंप खुले हुए, ऐसा क्यों हुआ? मतलब लाइक आपने स्ट्राइक का बता के पूरी पब्लिक को आपने जमा कर लिया, हर पेट्रोल पंप पे गाड़ियों की लाइन कतारें मैंने देखी, इतना रास्ते ब्लॉक थे, उसके बाद आपने फौरन से दूसरे दिन आपने सारे पेट्रोल पंप खुले हुए की वजह से
लेकिन सवाल ये होता है कि इनकी मांग पूरी की जाएगी या नहीं, जो कि मुझे बहुत नाजायज लग रही है। मगर ये बात उन्होंने की क्यों, मतलब लाइक स्ट्राइक का बोलने के बाद दूसरे दिन स्ट्राइक ही नहीं थी। आई मीन मैं खुद गई पेट्रोल पंप पे और मैंने हर चीज देखी कि वहां पर नॉर्मल चीजें चल रही, बट ऐसा उन्होंने क्यों किया? मतलब पूरी रात जो है आप लोगों ने लोगों को खबर किया, मतलब मैंने देखा दूध की जो बकेट होती है उनमें पेट्रोल लोगों ने भरवाया। देखिए ये अमीरों की बातें, पेट्रोल महंगा हो गया, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो स्केट्स पे आता हूँ, स्केट्स पे जाता हूँ। मैं ये बताता हूँ ये चीटिंग कैसे होती है। अगर आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई खाली बोतल आप जाएंगे ना, कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल 1.5 लीटर जो जम्बो वाली लेके जाएंगे, वो पेट्रोल नहीं देते उसमें। क्यों? वो क्योंकि चीट करते हैं ना। और दूसरा बाइक का पहले जुगाड़ था, इन लोगों ने इसका भी जुगाड़ निकाल दिया कि अक्सर बाइक पे आप जाएंगे ना, आप बोलेंगे यार 110 का डालो और नंबर, जो पैकेट ना 100, 200, 500 ये ना करें और नंबर 110, उस पर भी उन्होंने जुगाड़ निकाल दिया। और अक्सर आप देखेंगे बाइकर्स वाले बोलते हैं कि आप ऊपर से डालो, देखो अंदर डाल के नहीं पता चले कितना, और आप लड़ भी नहीं पाते उनसे, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। गाड़ियों पे बहुत होता है, जिसकी जैसे फॉर एग्जांपल एक कैपेसिटी 20 लीटर है किसी की गाड़ी में, इससे ऊपर नहीं जा सकते, उसका आधी टंकी फुल होगी, 20 लीटर डलवाएगा 20 लीटर पूरा आएगा, पैसे पूरे कटेंगे, लेकिन उधर 10 लीटर आ रहा है, मारते हैं डंडी वो गाड़ी पे तो, लेकिन पता चल जाता है। और मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी सना आपकी बात, और जिंदगी भर शायद ये बात मेरे साथ रहे, तुसी खुदा को मानो, तुसी शर्म करो, असी तुसी लस्सी पिसी। ब्रेक का टाइम हो गया, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। काफी मजे मजे की बातें हम लोग अपने शो में कर रहे थे और मैं भी एक मजेदार स्टोरी लेकर आई हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। कि नॉर्मली जब घरों में शादियां होती हैं लॉकडाउन के बाद, अब फिर से वही एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि ढोल धमाका जो है वो घर में जब तक ना बजे तब तक शादी का पता ही नहीं चलता। बट पड़ोसी मुल्क में एक बारात जा रही थी और जाते जाते उन्होंने 63 मुर्गियों को मारते हुए चले गए, और वो कैसे मारते हुए चले गए, ढोल धमाके की आवाज से उनको हार्ट अटैक हो गया। सोचिए कितनी, मतलब लाइक आपने इतने शोर शराबा आप लोगों ने डाला होता है, मतलब आप खामोशी से ही बारात लेके जा सकते हैं, क्या हो गया भाई, शादी हो गई है, कोई बात नहीं। आपकी स्टोरी में मैं एंगेज नहीं हूं जितना उनके रिएक्शन पे हुआ। वाओ, ओह माय गॉड। मैं ये कह रहा हूं कि जो SP4 स्पीकर्स यूजुअली जो SP4 स्पीकर्स यूज होते हैं शादी वगैरह में, उसके नीचे बेस प्लेट होती है, उस बेस प्लेट की वजह से आपको होता है, अक्सर आपने गाड़ियों में देखो वूफर, तो ये होता है। ये तो चलो फिर भी ठीक है, म्यूजिक है, जो फायरिंग होती है हवा फायरिंग, एग्जैक्टली उसकी वजह से ज्यादा नुकसान होता है एज कम्पेयर टू म्यूजिक। चले किसी की तबीयत खराब हो, और अटैम्प लोग ऐसे भी हमारे यहाँ तो है, वहां का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हमारे ऐसे भी लोग हैं कि अगर कोई बारात गुजर रही है और वो शोर शराबा कर रही है, और कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं ना कि यार यहाँ पे बुजुर्ग रह रहे हैं, इनके हार्ट पेशेंट है, तो ऐसे बंद कर देते हैं। ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि गली मोहल्ले में अगर दूसरी किसी गली के अंदर किसी की डेथ भी हुई है तो कोई एहसास नहीं करता, ऐसी भी मैंने चीज देखी है। आपकी गली में शादी है, आपने शोर शराबा करना है, वो साथ वाली गली को बिल्कुल इग्नोर करेंगे, वो लोग नहीं देखेंगे वहां पर साथ वाली गली में कोई मैयत भी पड़ी है, आप उसी का एहतराम कर ले। अगर आपको अपने शशके पूरे करने हैं, आपको ढोल धमाके के साथ आपको बारात जरूर लेकर जानी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सादगी के साथ भी अगर आप बारात ले जाएंगे और जहां पर ये हॉल है या जहां पर ये इंतजाम हुए होते हैं शादियों के या जो भी सिस्टम होता है, तो वहां पर भी आप बजा। अगर सादगी से किया तो लोग क्या कहेंगे? लोगों का तो काम है कहना, लोग तो कहेंगे, लेकिन हमारे ना कि सिर्फ ये जो आपने एक बहुत ही अनोखा, मतलब मुझे देखा जाए न्यूज है के मुर्गियों को हार्ट अटैक हो गया या मुर्गियां मर गई, ठीक है, जानवरों या इंसानों नुकसान होता है, और जानदार चीज का तो वैसे ही अफसोस करना चाहिए आपको अगर वो इस दुनिया से चली जाए, किसी की भी किसी की यहाँ खुशी थी तो किसी के यहाँ गम हो गया, मतलब वही वाली बात है। अगर आप देखा जाए तो हमारे मोबाइल सिग्नल की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से कितना नुकसान होता है परिंदों को, ठीक है, वो भी जानदार चीज है, वो भी सांस लेते हैं, तो हम उनको कितनी अजियत देते हैं। अगर हमारे यहाँ पे कोई गैस का कोई वो छोड़ दिया जाए, पॉइजन गैस छोड़ दी जाए, तो हम कितना तड़पेंगे, ये तड़पे वाली ही बात होती है कि वो परिंदे जिस तरह से तड़पते हैं, और पानी में मछलियों का जो हम नुकसान देखते हैं, कितनी मछलियां मर जाती है, बट वो ही सारी चीजें ना कि हम बातें करते हैं, अगर हम किसी को कहेंगे कि प्लीज आप अपनी जो है शादी के फंक्शन में, इवेंट के फंक्शन में इतना ढोल धमाका ना करें, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कि छोटे बच्चों की भी हार्ट बीट बहुत डाउन हो जाती है, अगर आप देखें वो इतना शोर होता है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते बच्चे, और फिर इस तरह की जो आपने एक एग्जाम्पल दी मुर्गियों की या जानदार चीजों की, तो नुकसान है, किसी ने सुधरना नहीं है, सुनना नहीं है। मैं भी एक कायनात की बात से छोटी सी ऐड करूंगी कि मैं आज सुबह मॉर्निंग में गाड़ी पार्क हुई थी, बैठी तो एकदम से ना गाड़ी हिलना स्टार्ट हो गई,
मैंने कहा अल्लाह खैर ज़लज़ला आ गया तो क्या हो गया बांग्लादेश में, और नीचे एक छोटा सा डॉग था और उसी के पीछे एक उसी का कोई साथी खड़ा हुआ था उसको बचाने के लिए कि मैं शायद गाड़ी पीछे, मैंने वेट किया, फिर मैंने सामने से वॉचमैन को बुलवाया, मैंने कहा ये नीचे से ना इसको बोलेंगे बाहर निकले ना, गाड़ी ऑन करने के बाद भी वो सो रहा है, उसको पता ही नहीं कि गाड़ी चलने वाली है, मगर जो उसका साथी था वो खड़ा हुआ है कि नहीं यार ये गाड़ी इसके ऊपर ना चली जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए। तो मतलब देखा जाए तो जानवरों के अंदर इतनी सेंस है, जानवर है ऑब्वियसली, इंसान थोड़ी जिसमें सेंस नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं यूनुस, ये तो हाल है इंसानों का, इंसान जानवर से भी बदतर है, लेकिन फिर भी इंसान जो है सुधर सकते हैं, कोशिश करते रहते हैं, बट वो वही हाल है कि आप जितना भी दिमाग में चीजें डालते रहेंगे वो उनको समझ कुछ नहीं आता। हकीकत बातें, लेकिन जहाँ इंसानों की बात हो रही है उर्शी, सबसे पहले तो मैं बताऊँ बहुत अच्छी और बहुत यूनिक जो है वो आज आप ये न्यूज लेकर आई है, और मैं ये बताऊँ कि इस न्यूज के बारे में मैंने भी पढ़ा था, और सबसे अच्छी चीज जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी वो ये है कि जो मतलब मुर्गियां हैं जो हार्ट अटैक होकर वो हलाक हो गई है, उन्हीं के लिए बकायदा वहां पर एक शहरी था जो आम शहरी है, उन्होंने जो है वो FIR भी दर्ज किए। वेरी गुड, यस। तो उन्होंने बकायदा FIR भी दर्ज किए कि अगर मतलब जिस तरह पे खासतौर पर आसपास अगर किसी किस्म के पोल्ट्री फार्म्स होते हैं उसके आसपास शोर शराबा इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, ढोल धमाका नहीं होना चाहिए, हाई म्यूजिक नहीं होना चाहिए। ये तो देखिए हो गई मुर्गियों की बातें, लेकिन सिर्फ जानवर वो, मैं हमेशा ये मेंशन करती हूँ कि आपको जब कोई तकलीफ होती है ना, जब बहुत ज्यादा तकलीफ होती है आप जबान से कह देते हो कि मुझे इस चीज़ से तकलीफ हो रही है, लेकिन जानवर बेजुबान होते हैं, वो कभी नहीं कह पाते कि मुझे किस चीज़ से ज्यादा तकलीफ हो रही है और किस चीज़ से तकलीफ हो रही है, बस समझना पड़ता है। आप लफ्जों पे ना जाए, आप इमोशन पे जाए, किसी जानवर को भी तकलीफ होती है तो वो चीखता है, अगर हमें वो जबान भी समझ नहीं आती तो हम तो जानवर से भी बदतर हैं। एज अ ह्यूमन रेस जो है हमें शर्मिंदा होना चाहिए, बिकॉज एट टाइम्स देखिए प्लांट्स भी जिंदा हैं, जो मछलियां हैं इतना जुल्म किया जाता है, इतनी पोल्यूशन हो जाती है समुंदर में कि मछलियां इतनी इतनी जो रेयर स्पीसीज थी वो सब खत्म हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंट हो रही है। एंड नहीं एक बात ऐड कर दूं, अगर मछलियों के पास जबान हो, उनके हाथ चलते हो, तो वो ऐसी ऐसी लांते देंगे ना, ऐसी ऐसी गालियां देंगे इंसानों को, और वो हिलाते भी, वो क्योंकि पानी के अंदर होते हैं ना, हमें आवाज नहीं आती, यूं करते ना फिश। अब आप समझो क्या बोला है फिश ने, दे कांट स्पीक बट दे हैव देयर ओन साइन लैंग्वेज, उसमें जैसे डॉग्स की भी बहुत सारी होती हैं, तो वो बात करते हैं, वो अपने इमोशंस कन्वे करते हैं, बच्चे मैंने बहुत सी वीडियोस देखी है, बच्चे गिर रहे होते हैं तो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ खतरा हो तो उसका अलार्मिंग अलर्ट देते हैं, दे आर वेरी सेंसिबल, देयर इज अ व्हेल टू दैट दैट कैन टॉक, यू नो दैट। आपने फिश की बात की ना, फिश सेल्फिश नहीं है हमारी तरह, बट देयर आर सो मेनी, एक वो है डॉल्फिन, आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ दैट स्पीसी, वो बात कर सकती है, शी कैन मिमिक योर वॉइस, गोज विद द पैरट, तो है ना कि आपको सिखाना पड़ता है, वो खुद ऑब्जर्वेशन से वो सीखती है, और बहुत सारी जो डॉल्फिन्स हैं वो इंसानों को बचाती है, सिग्नल देती है, अगर कोई शार्क आ रही है वो सिग्नल देती है कि आप भागो भागो निकलो यहाँ से। लेकिन हम इंसान जो है वो कभी भी किसी भी चीज का ख्याल नहीं रखते। सबसे बड़ा अलमिया मुझे जो लगा वो ये था कि कल रात को मैं एक जो है वो ब्लॉग देख रही थी, जिसमें देखिए जब बात पाकिस्तान तक रहती है या अपने मुल्क तक रहती है तब ठीक होता है, लेकिन जब बाहर चली जाती है फिर कहीं ना कहीं आपको बुरा लगता है कि कोई अगर जो है वो आपकी कंट्री में आया है आकर उसके बाद उसको ये चीज़ देखनी पड़ी, मतलब उसने आकर ये चीज़ देखी और उसने इस चीज़ को हाईलाइट किया, आप खुद अपनी कंट्री में रहकर जो है वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रख पा रहे। जैसे क्या हुआ, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ मैं ब्लॉग देख रही थी, ब्लॉग के अंदर मैंने देखा कि USA का जो है वो एक ज्यादातर ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स होते हैं जो पाकिस्तान आते हैं वर्ल्ड टूर करने का, यस वर्ल्ड टूर करने का उनको शौक होता है, इसी तरह से वो यहाँ पर भी आए और उन्होंने बकायदा उनके जितने भी ब्लॉग्स थे उसमें उन्होंने ये चीज़ मैंशन की कि समंदर किनारे अगर आप क्लिफ्टन पे जाओ तो वहाँ पर आपको बेशुमार कचरा मिलने वाला है, मतलब आप वहाँ जाते हो रिफ्रेशमेंट के लिए, एक अच्छी हवा के लिए, लेकिन आपको वहाँ पर जो है वो बहुत सारा कचरा, ये मैं नहीं कह रही, ये USA का बंदा कह रहा है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान आकर पाकिस्तान की आवाम ऐसी है कि उसको ख्याल नहीं है, फिर उसने अपने ब्लॉग में, फिर मतलब उसको ख्याल नहीं है, फिर उसी में जो है उसने बाकायदा ये चीज़ दिखाई और जो आवाम वहाँ पर खड़े थे उनको भी ये चीज़ दिखाई कि एक उन्होंने शॉपर लिया और वो खुद जो है वो एक शॉपर भर के उन्होंने कचरा डाला और वो आवाम को समझा रहे थे कि आप खुद करो ये, अगर आप खुद नहीं करोगे तो दूसरों को क्या आप मतलब तलकीन करें कि ये आप करो या आप करो, आपने पहले ये चीज को देखें, किसी पर भी उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबा में झांकना बहुत जरूरी है कि आप कैसे हो और कैसे नहीं हो। हम रोड पर चल रहे होते हैं, ये हमने टिश्यू यूज किया वो फेंका, ये हमने पानी की बॉटल में पानी पिया और पानी बॉटल फेंक दी, हमने मेरे पास ना थे
तो सबसे बड़ा अलमिया ये कि अपने बारे में चीजें दुरुस्त करें आप, और इसकी वजह से जो मछलियां हैं, जो वहां पर जितनी भी ये जो मखलूक है, जो कि समंदरी मखलूक है, उसको कितना डैमेज हो रहा है, उसको कितना नुकसान हो रहा है, हर चीज ना मुझे लगता है कि गवर्नमेंट पे हमें नहीं डाल देनी चाहिए, कुछ ना हमारी भी सिटीजन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते कुछ मॉरल एथिक्स है जो हमें भी फॉलो करने चाहिए। हमें ये पता है खाना कैसे है, पैसा कैसे कमाना है, शॉर्टकट्स में कैसे तरक्की लेनी है, लेकिन अपने आस पास के माहौल को कैसे साफ रखना है और अपनी जिंदगी में कैसे सफाई लानी है, इसके बारे में ना कोई सोचते हैं, जो कि सबसे बेसिक आपकी जरूरत है, और ना ही इस पे कोई ध्यान लेते हैं, और जो आप ना कर सको वो हमारा ये एक मसला है, वो हम दूसरे पे डाल देते हैं, हमारी गवर्नमेंट ऐसी है तो हम क्या करें। कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है, सोचें समझें वक्त निकाल के, और जो चीज सबसे पहले आपको करनी चाहिए उसको पहली तरजीह पे रखें, तो जिंदगी आपकी भी चेंज होगी और हमारी भी चेंज होगी। इसी खूबसूरत बात के साथ मैं लेती हूँ छोटा सा ब्रेक, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। गुड न्यूज, मैं आज उशेर कॉपी करूंगा, मैं आपके लिए गुड न्यूज लाया हूँ। और गुड न्यूज ये है कि एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन ने एक अवार्ड जीता है। वाओ। उस अवार्ड का नाम है नेल्सन मंडेला / ग्रेशा मिशेल इनोवेशन अवार्ड। ग्रेशा मिशेल इनोवेशन। अब आप उससे पूछे कि ये अवार्ड क्या किया जिससे अवार्ड जीता, और ये अवार्ड क्यों दिया। ये जो कैंपेन थी उसका नाम था एक बेटर टुगेदर, इट वाज डन बाय हाइफ पाकिस्तान, तो तालियां होनी चाहिए। अब पूछे इसमें क्या इन्होंने दिखाया। पूछे बाबा क्या दिखाया इन्होंने। नहीं मजा नहीं आया आपके सवाल में। आपका सवाल का जवाब ये है, कायदे आजम दिखाए इन्होंने, और एक कायदे आजम दिखाए, और 3D होलोग्राम दिखाया, और उनकी स्पीचेस दिखाई कि वो परफॉर्म कर रहे हैं अपनी हारमोनी पे, अपने मुसलमानों पे, वुमन राइट्स पे, एंड इट वाज फंटास्टिक। 3D होलोग्राम मैं थोड़ा सा बता दूं ऑडियंस को कि जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कोई मूवी चल रही है 3D, वो उसमें आपको बैक नहीं दिखेगी फिल्म के, क्योंकि आप सिनेमा देख रहे हैं, अलम सामने है और उसकी भी बैक नहीं दिखेगी। 3D होलोग्राम में क्या होता है कि अगर मैं क्रॉस करके जाऊं अनम की बैक पे, तो अनम तब भी मुझे दिखेगी। इट्स ऑल फ्रॉम डिफरेंट प्रोजेक्टर्स और लाइफ साइज बनाया उन्होंने, एंड माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान हैज वन द अवार्ड। और यही वाली बात है कि पाकिस्तानी को अगर चांस मिले ना, रिसोर्सेज मिले, हम दुनिया पे कब्जा करके बैठ जाए, तो मार्स पे भी कब्जा करके बैठ जाए और चेंज कर सकते हैं। एक सवाल जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये सादे लोगों के लिए सवाल है कि नेल्सन मंडेला का नाम और कायदे आजम का नाम, दोनों अपने आप में एक बहुत बड़े लीडर हैं, बट ये कॉम्बो अगर आप ऑडियंस को मजीद सादा अल्फाज में समझा दें तो मुझे लगता है कि और अच्छा। मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में बताता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेल्सन मंडेला अवार्ड एक किया जाता है हर साल, एंड इस अवार्ड में जो सोशल इम्पैक्ट किया जाता है सोसाइटीज की तरफ से, डिफरेंट कंट्रीज की तरफ से, ये एक ओपन सबमिशन राउंड होता है, ओवर 70 मुल्कों ने अपनी सबमिशन दी, और उसमें पाकिस्तान जीता, और जो भी फाइनलिस्ट थे सबको $5,000 इनाम के तौर पे दिया गया। पैसा आ गया और डॉलर में पैसा आया, और हमारे रिजर्व बढ़ेंगे। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट इट सादल फासल, और जो सबसे हसीन बात है इस बारे में कि पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल माहौल में एक और बार ऊंचा हो गया। बट अगेन वो नेल्सन, मुझे लगता है जो उन्होंने सवाल किया था वो, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, नेल्सन और कायदे आजम का नाम की कनेक्टिविटी, जो ये रिलेटिविटी है। मैं वापस समझाता हूँ और आसान अल्फाजों में, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेल्सन मंडेला अवार्ड है, कायदे आजम जो उन्होंने कैंपेन सबमिट की थी, पिच की थी, वो कायदे आजम की 3D होलोग्राम की प्रोजेक्शन थी। पठान भाइयों के लिए, क्योंकि वो भाई जैन जो कायदे आजम का 3D होलोग्राम था उसको किया बलोच के लिए, अरे डाडा अरे कायदे बाबा का हमने होलोग्राम दिखाया और किसी को और होलोग्राफिक सच में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत सारे इसके गेम्स में भी आते हैं, और मैंने और भी कुछ चीजें देखी हैं, क्योंकि वो ऐसे रिफ्लेक्ट होता है और आप हर एंगल से देखोगे तो वो ऊपर नीचे रोटेट होगा, और बड़ी एक मजेदार सी चीज है। पीछे मैं एक थोड़ा सा आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ कि कायदे आजम माशाल्लाह वेरी हैंडसम पर्सनालिटी, हैंडसम फेस, हैंडसम पर्सन, ऐसी एक लोग कंपैरिजन करते थे पाकिस्तानी करेंसी से, पाकिस्तानी करेंसी को इंडियन करेंसी के साथ। तो अगर आपने इंडियन करेंसी देखी उसमें गांधी साहब की फोटो है और डंडा लेके, और गुस्से में के खबरदार खुला करा के दिखाओ,
ठीक है, एंड कम टू पाकिस्तान करेंसी, कायदे आजम की होटल में मुस्कुराहट है, सीन सी आंखों में चमक है, और बड़े प्यार से बोल रहे हैं अपने आवाम को कि खाओ बच्चों खाओ। हम लोग इतना सीरियस हो गए, आधा खा चुके हैं, आधा रह गए, कायदे आजम की बात हो रही है, सॉरी तो लेट मी फिनिश, लेट मी फिनिश, आधा खाओ, और हम इतने हम हो गए इस बात को, हमने वो कर लिया है, पैशन बना लिया, पैशनेट हो गए इस बात पे कि हम लोग आधा खा चुके हैं पाकिस्तान, जो आधा बचा उसको हमें अल्लाह ताला हमें दुआ करनी चाहिए कि हमें इतना मजबूत बनाए ताकि हम हिफाजत कर सके इस मुल्क की, बिकॉज हमारे पास इस मुल्क के अलावा कोई है ही नहीं और मुल्क जिसमें हम बेईमानी कर सकें, और कोई दूसरा मुल्क हमें इजाजत भी नहीं देगा इस बात की। तो प्लीज खुदाया आप मुल्क की इज्जत करें और हिफाजत करें और दुआ करें कि पाकिस्तान को कुछ ना हो, वरना हम लोगों का क्या होगा। सही बात है, यहां से इसको कोई कायदे आजम पे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अब बातों बातों से बात निकली तो क्यों ना मैं अपने फेवरेट लीडर की बात कर ही दूं, और जिन्होंने ये खूबसूरत सा हमें मुल्क दिया और जिस सेट पे आज बैठ के मजे से कॉफी पी रहे और बातें कर रहे हैं, ये सब उनकी मेहरबानियों की बदौलत है। थैंक यू कायदे आजम। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जिन्ना साहब बोलना चाहूंगी, बहुत ही काबिल इज्जत जी इंसान है वो थे, आई मीन तो उनकी मैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखती हूँ कहना तो, और एक चीज मुझे देख के बड़ी अच्छी लगती है कि उनकी पर्सनैलिटी बड़ी नफीस थी और क्या इंटेलेक्चुअल इंसान थे जी। मैं उनकी देख रही थी एक दफा किसी ना मुखालिफ पार्टी में बैठे थे और कोई बात हो रही थी तो सामने वाला इंसान उन्हें कोई मशवरा दे रहा था कि आप ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, तो उन्होंने कहा बात सुने, आपकी जो आपका जो मशवरा है ना उसकी अहमियत मेरे कॉलर के बटन जितनी है। तो मुझे ये बात ना बहुत दिल पे लगी और मैंने कहा ये बात मैं शेयर करूंगी कि मतलब एक इंसान है उसके जो अपने थॉट्स हैं वो फर्म है, उसे आप कुछ भी कहते हैं उसको पता है कि मेरा डायरेक्शन ये है कि मैं मुझे कोई टस से मस नहीं कर सकता। और ऐसे ही लीडर्स होते हैं जो किसी की बातों में नहीं आते, और ये गांधी की हम बात करें जो गांधी जो उन्होंने बनाया था, आपको पता है इसके ये जो पहले एक कपड़ा सा बांधते थे तो ये पहले पूरे सूट बूट कोटिंग में होते थे, जैसे हमारे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की ड्रेसिंग हुआ करती थी, फिर उसके बाद लोगों ने मुखालफत की थी तो फिर उन्होंने ये अपना कपड़ा बांधना शुरू कर दिया और इसमें आगे थे। लेकिन पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो गांधी साहब थे इनका भी बहुत अच्छा, और वहाँ के इंडिया के बहुत सारे लोग हैं उन्होंने उस चीज पे भी इनके अगेंस्ट गए थे और हाँ बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लगाए थे, लेकिन पहले जब गांधी की हुकूमत थी क्योंकि उनका क्रिएटर और उनका जैसे हमारे कायदे आजम साहब है उनके वो थे, तो वहाँ पे लोगों को उनसे भी बहुत ज्यादा तकलीफ थी उनके पहनने ओढ़ने से, क्योंकि वो बहुत सेक्युलर थे और उनकी सोच भी काफी लिबरल थी अपने मुल्क को लेके, लेकिन वहाँ के लोग जो है खैर वो तो अलग ही अलग अलग फितना फैलाना चाहते थे और वो कहीं ना कहीं काफी हद तक कामयाब भी हो चुके, तभी तो इनके लीडर आज वो हैं जिन्हें ना बात करनी आती है ना पहनने का ढंग है ना उठने बैठने की तमीज है ना मुल्क चलाने का। सवाल पूछ रहे हैं उनसे कि जो सर्दी का मौसम आता था तो फिर गांधी साहब क्या करते थे? देखिए जब सर्दी का मौसम आता था तो बहुत सारी सर्दी आती थी तो फिर वो हीटर रखते थे, हीटर से अपने आप को हीट अप करते थे, और फिर वो ओके आपने जब मुझसे सरकास्टिक क्वेश्चन किया है तो मैं भी उसको सरकास्टिक वे में रिस्पोंड। अच्छा मुझे अनम क्योंकि यूनुस ने बीच में मुझे कट किया तो वो बात का मोटो अब मैं दोबारा आपकी बात से जोड़ूंगी, क्योंकि आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया वो बटन वाली बात कि वो दिल पे लगे, और दिल से ही मुझे एक बात याद आई है कि मैं खास तौर पे ऑडियंस के साथ, यकीनन बहुत लोगों को पता होगा कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक जगह स्पीच दे रहे थे जब हमारा मुल्क आजाद हो गया था, और वो अपने लोगों से स्पीच दे रहे थे तो कायदे आजम को भी स्पीच देनी थी और गांधी साहब को, क्योंकि पहले सबको पता है कि कॉन्टिनेंटल बड़ा सगीर हम सब साथ ही रहते थे, तो जब कायदे आजम ने स्पीच दी तो उसके लिए स्पीच देने के लिए उन्हें अपनी ग्लासेस का ना इस्तेमाल करना था, और जैसे ग्लासेस निकाले तो वो ग्लासेस गिर गए और मतलब कायदे आजम यूं खड़े थे और गांधी बैठा हुआ था, और गांधी जी बैठे हुए थे, आई मीन रिस्पेक्ट उन लीडर के लिए भी, गांधी जी बैठे हुए थे तो वो जैसे ग्लासेस गिरे तो गांधी जी के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आई कि अब कायदे आजम नीचे झुकेंगे, क्योंकि गांधी जी बैठे हुए थे, कायदे आजम खड़े होते तो उनका था कि कायदे आजम नीचे झुक के मेरे कदमों से ग्लासेस उठाएंगे और दोबारा स्पीच खिताब करेंगे, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ये नहीं किया क्योंकि ही सच अ बिग लीडर, ही वॉज अ बिग लीडर, उन्होंने ग्लासेस अपनी जेब से दूसरी ग्लासेस निकाल के पहनी और वो सरकास्टिक स्माइल को समझ गए थे। सो
दिस इज व्हाई आई रियली लाइक हिम एंड आई अप्रिशिएट हिम। मैं भी एक छोटी सी एक बात ऐड करना चाहूंगी, वाकई में अपने असूलों के तो बहुत ही पक्के थे, और जब आप उनका स्टाइल और हर चीज आप उनके देखते थे तो मतलब लाइक अभी का तो कोई स्टाइल कुछ है ही नहीं है। जब आप वहाँ की बात करते हैं ना, जब कायदे आजम साहब की बात होती है तो इट्स रियली रियली मतलब आपको सलूट ऑटोमेटिकली आपके अंदर से एक चीज निकलती है। और दूसरी चीज मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करना चाहूंगी, जब भी आप उनके घर के पास से गुजरते हैं ना, वैसी वैसी चीजें उनकी एज इट इज पड़ी हुई है। मुझे लगता है कि आज तक कोई भी नहीं गया होगा, बच्चे जाते हैं मतलब वहां पर, मतलब मेरे रिलेटिव के जो फैमिली है वहां पर मतलब घूमने के लिए गई थी, तो उन्होंने कहा था कि एज इट इज वैसी की वैसी चीजें पड़ी हुई है, और वो फील आता है, इतना सुकून मिलता है। आप लोग प्लीज थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने बच्चों को जरूर लेकर जाए, वहां का एक विजिट जरूर करवाए, आप लोगों को बहुत सुकून मिलेगा। अभी तो कुरान पढ़ते हुए अपने कायद को हदिया भी करना चाहिए, और इस टाइम जो है वो टाइम हुआ छोटे से ब्रेक पर, वो ये है कि रिजिना साहब ने जो बात कही थी, हम पाकिस्तानियों ने इस चीज पर अमल भी किया, इसको प्रूव भी किया कि आप पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जहां आपकी जान और माल की हिफाजत होगी, जहां आप आजादी के साथ सांस ले सकते हैं, जहां आपकी जबान पर, अकलियत पर, मजहब पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाए क्योंकि गपशप में कायनात वाली अभी गपशप बाकी है। वेलकम बैक। एक और बड़ी मजेदार चीज है जो मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, और ये स्पेशली मेरे व्यूअर्स के लिए जो हमारा शो देखते हैं वक्त निकाल के और हमें बहुत सारा प्यार देते हैं, तो आपके लिए हमने सोचा है कि क्यों ना आपको भी थोड़ा सा सरप्राइज किया जाए। वैसे भी कहते हैं कि तोहफे तहाइफ देने से मोहब्बत बढ़ती है, और आपसे हमारा रिश्ता, कनेक्टिविटी दिन ब दिन माशाल्लाह से बढ़ता चला जा रहा है, तो इसी चीज को मजीद गहरा करने के लिए हमने सोचा है कि आज से हम आपको कुछ मजेदार एक्साइटिंग सरप्राइजेस भेजा करेंगे। उसके लिए आपको करना है बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपको हमारा शो देखना है, या उसके अलावा अगर आप शो नहीं देखते हैं और आपको लगता है कि जैसे कि हम हमारे शो में बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे जो भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है या एजुकेटिव या इंफॉर्मेटिव चीजें लाते हैं, आपको अगर लगता है कि किसी चीज पे हमें बात करनी चाहिए या हमारे शो में आप शो को लेके किसी तरह का कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे स्क्रीन पे नीचे नंबर देख रहे हैं, आप इस नंबर को नोट डाउन कीजिए। इस पे हमें आप अपना ये व्हाट्सएप नंबर आप चाहें तो वॉइस कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको जो भी लगता है कि हम इस टॉपिक पर बात करें, या अगर हम कोई बात करते हैं उस पर अगर आप कुछ मजीद फर्दर हमें बताना चाहते हैं, तो मतलब कोई भी चीज जो आपको लगता है कि हमें इस शो में ऐड करनी चाहिए, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से करके आते ही अपना काम, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपकी चीज आपके नाम से हम मंजर आम पे लाएं, आपका नाम अनाउंस करें, आपको हम तोहफे तहाइफ भिजवाएं, तो उसके लिए आपको हमारे साथ थोड़ा सा और जुड़ना पड़ेगा। दिए गए नंबर्स को नोट डाउन कीजिए और इस पर रब्ता कीजिए, जो वॉइस, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो नहीं लिख सकते, तो हम हमारी हर तरह की आवाम से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप वॉइस कीजिए, मैसेज कीजिए, या व्हाट्सएप पे बहुत ट्रेंड है जैसे कि वॉइस नोट्स का, टाइम सेव हो जाता है, मैं भी बात करती हूँ। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, आप जाके हमारे यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में जाइए और अब आपका नाम तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा, हम नाम आपका वहां से ले लेंगे, आपका नाम बाकायदा अनाउंस किया जाएगा, और आप हमें अपना एड्रेस प्लीज यूट्यूब के नीचे मत लिखिएगा, वरना हमारे अलावा बहुत सारे तोहफे तहाइफ आ जाएंगे। प्लीज प्लीज आप मैसेज कीजिएगा, खुदा के लिए गुड मॉर्निंग मैसेज ना कीजिएगा, जैसे होता है कि सुबह के फूल खिल गए हैं, पंछी अपने घरों से उड़ गए हैं, सूरज के आने से सारे तारे छुप गए हैं, क्या आप अपनी मीठी नींद से उठ गए हैं? मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं और मैं कसम से उनको ब्लॉक नहीं करता, बिकॉज मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे गुड मॉर्निंग कहे, मजा आता है, आप उसको स्पेशल करते हैं। देखें सना मेरी बात समझे, सेंड टू ऑल, सेंड टू ऑल, नहीं नहीं नहीं, देखिए ये आपको कैसे पता, आपको ही तो मैसेज नहीं है मेरा जी अनम, क्या मैं अपनी बात मुकम्मल कर रही हूं, मेरे फैंस स्क्रीन के आगे टिकटिकी लगा के बैठे हुए हैं कि मैं उनको पूरी मालूमात दे दूं, तो ये हमने भी रहती है जी, हमने जी मतलब ऑब्वियसली, लेट मी फिनिश, खत्म कर दूं, ऑब्वियसली मैं दे चुकी हूं। बात ये है कि इससे होगा ये कि बहुत सारे हमारे लोग होते हैं, क्योंकि मैं भी करती थी बच्चों ने, अब रेडियो में कॉल करती, भाई मेरा नाम ले लें प्लीज, गाना चलाने के लिए अनम गौहर की रिक्वेस्ट आई है कराची से, तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम टीवी पर आपका नाम लें और आपके दिए गए टॉपिक्स पे बात करें, या और कोई भी सजेशन इस शो को लेके आप देना चाहते हैं, तो प्लीज जरूर कीजिएगा, हमें आपकी सजेशंस का, आपकी न्यू आइडियाज का इंतजार रहेगा।
तो स्टे कनेक्टेड विद अस और हमारे इस जर्नी पे हमारे साथ रहिएगा. थैंक यू सो वेरी मच. लेकिन हाँ, शो अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा कुछ और लम्हात के लिए. यही तो इस शो का गपशप का मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि कभी ना कभी हम ऐसी न्यूज भी लेकर आते हैं जिससे हम डिप्रेस हो रहे होते हैं. क्योंकि यकीन माने हमारी ऑडियंस से मैं ये कहूंगी कि आप लोग जब देखते ना आप लोग डिप्रेस होते हैं. हम लोगों को खुद भी करते हुए ना बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होती है, क्योंकि ये एक वाहिद चीज होती है जब हम अपने आप को एक दूसरे को बूस्ट करने के लिए कॉमेडी करते हैं, एक दूसरे को हल्का फुल्का छेड़ते भी हैं. तो ये चीज इसलिए क्योंकि वी लाइक अ फैमिली, वी लाइक अ यू नो हमारे अंदर एक बाउंडिंग है. लेकिन कभी ना कभी हम में से कोई डिप्रेसिंग बात कर रहा होता है या हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि नहीं खैर है. तो अभी जो मैं न्यूज शेयर करने वाली हूँ वो इसलिए कि मैं चाह रही थी कि थोड़ा हम आपका मूड लाइटर नोट पे हम बात करें और उसके बाद में ये न्यूज बताऊं. कोई भी इंसान अपनी जिंदगी से ज्यादा किसी भी चीज को प्यार नहीं करता. कहते हैं ना जान है तो जहान है. जहान भी तभी है जब आपके पास जान है, जब आप फील करते हैं, एंजॉय करते हैं. लेकिन एक इंसान जब अपनी जिंदगी से मायूस हो जाए, वैसे तो मायूसी कुफर है, हमारे दीन में भी है, लेकिन अगर अपनी जिंदगी से मायूस हो जाए और वो चाहे कि मैं अब और नहीं जीना चाहती और वो सुसाइड कर ले, तो ये कौन सा ऐसा माइंडसेट है या कौन सी ऐसी सोच है कि एक इंसान के अंदर आती है. मैं बात कर रही हूँ रिसेंटली दोबारा वो बातें कुछ ऐसी हैं कि आप सैड होते हो करते हुए, लेकिन आप प्लीज मुझे आपका सबका थोड़ा वक्त चाहिए और उन बच्चों का वक्त चाहिए जो स्टडी कर रहे हैं, जो बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं पढ़ाई का, या किसी भी अगर खुल के कहूँ तो ब्रेकअप हुआ है, दिल टूटे हैं और लगता है कि यही जिंदगी थी जो जा चुकी. तो मैं उन लोगों का अभी खास तौर पे स्पेशली टाइम चाहती हूँ. बात यह है कि डॉक्टर, मैं डॉक्टर ही कहूँगी क्योंकि फोर्थ ईयर की स्टूडेंट थी वो, डॉक्टरी कर रही थी और मेडिकल की स्टूडेंट थी और उनका नाम था डॉक्टर नौशीन काजमी. डॉक्टर नौशीन काजमी के वालिद का अभी फिलहाल स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्योंकि देखें अभी हम ये न्यूज़ कर रहे हैं ना तो आगे केस फर्दर केस बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि पुलिस पुलिस बहुत इसमें बहुत ज़्यादा उनको हुकूमत की तरफ से भी प्रेशर है. डॉक्टर नौशीन काजमी के वालिद जो हैं सैयद हिदायतुल्ला काजमी, उन्होंने कहा कि मेरी जो बेटी है उसे कोई टेंशन नहीं थी, कोई स्ट्रेस नहीं था. मेरी उससे एक दिन पहले बात हुई है जब उन्होंने सुसाइड किया है बेनज़ीर भुट्टो कॉलेज में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ती थी लाड़काना के अंदर, और वहाँ पे एक हॉस्टल में रहती थी. हॉस्टल में उनके साथ रूममेट्स थी. उन्होंने कहा हम 2-3 घंटे के लिए बाहर गए, वापस आए तो 2 घंटे तक हम जब वापस आए तो हमने गेट नॉक किया, गेट नहीं खुला तो हमने बुलाया हॉस्टल में जो स्टाफ होता है जो उनको कहा, तो उन्होंने जब गेट खोला तो हमने देखा कि उन्होंने हैंग किया हुआ था और टेबल से थोड़ी सी ऊपर टांगी थी. मेरे हाथ लिटरली शिवर कर रहे हैं ये बात करते हुए. तो वो टांगी थोड़ी सी लाइक टेबल से हटी हुई और उन्होंने सुसाइड किया हुआ, अंदर से कुंडी थी. मतलब पूरा उन्होंने बयान दिया पुलिस ऑफिसर को, एसएसपी जो वहाँ पे इमरान कुरैशी जो पूरा केस देख रहे हैं. लेकिन साथ ही साथ उनके वालिद ने कहा कि उनकी वालिदा भी डॉक्टर थी, डॉक्टर मुनव्वरा काजमी. वो इस टाइम हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में है. जिंदगी और मौत इसलिए कहा क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन है, ठीक है, अल्लाह उन्हें सेहत दे, हम सबकी दुआ है. ये टेंशन के अलावा, इस टेंशन के अलावा उन्हें कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी. फोर्थ ईयर में वो लाइक कहते हैं ना कि लास्ट सेमेस्टर था उनका, और उसके बाद मतलब अभी भी उनके नाम के साथ डॉक्टर है. मुझे कभी ना कभी एक चीज़ लगती है कि हम लाइफ में ख्वाब देखते हैं, ख्वाब हर इंसान देखता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं इस पोजिशन पर जाना चाहता हूँ या मैं ज़िंदगी में वो करना चाहता हूँ. वो उन्हीं ख्वाब को आप पूरा करते हुए जब मेहनत कर रहे होते हैं तो आप कैसे इतना डिसहार्ट हो जाते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो दे. हाथ दो बैठते, लेकिन अभी भी मैं ये बात कहूँ क्योंकि ये पूरा केस इतना पेचीदा है कि उसी हॉस्टल के अंदर 2019 में भी एक लड़की ने जान दी थी, और वो भी इसी तरह हॉस्टल में लटकी, मतलब उनकी जो डेड बॉडी थी इसी तरह हैंग पाई गई. और मैं अभी भी वो सोच रही हूँ कि ये दूसरा केस हुआ और ये केस इसलिए इतना ज़्यादा उठाया क्योंकि इनके वालिद जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में, क्योंकि एक नोट मिला है, सुसाइड नोट जिसे कहते हैं, सुसाइड नोट मिला है, तो उनके वालिद को डाउट है कि ये मेरी बेटी की हैंडराइटिंग नहीं है. और ये बहुत बड़ा डाउट है, मैं आपको बताती हूँ कि जी पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन अभी मीडिया को जो है ना वो ज्यादा बताना नहीं इजाजत. आप समझ रहे हैं, एक तो बेटी जात है, क्योंकि हमारे माशरे की अगर हम बात करें ना तो बहुत सारी चीजें जो है ना यहाँ पर होती हैं कि क्या मसला था. मैं उन लोगों से कहूंगी कि खुदारा 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 इस न्यूज में भी जो लोग नीचे कह रहे हैं आई एम सॉरी कि किसी के साथ अफेयर होगा तो उसमें उन्होंने जान दे दी, प्रेग्नेंट होगी,
आप कैसे ये बातें कर लेते हैं, ये कैसे बातें सोच लेते हैं, आपकी सोच को थोड़ा ब्रेक लगाएं, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी को तब खत्म करना चाहता है जब उसके पास जीने के लिए कोई मकसद ना हो। अब क्या ऐसी बात थी, क्या ऐसी बात नहीं थी? कनक पहले तो एक बात आप समझ लें, मतलब कि रिस्क का वादा ना अल्लाह पाक ने किया, अगर आप रिस्क को वजह बना के कि मेरे पास रोटी नहीं है, मैं भूख से बेहाल हो रहा हूँ तो मैं इसलिए सुसाइड कर लेता हूँ, तो क्या आपको ये पता है कि जब तक क्यामत है कि आप ऊपर नीचे बीच में लटके रहेंगे? और इससे आपने अपने आखिरत के रास्ते भी बंद कर दिए एज अ मुस्लिम। तो आप ये हमाकत है कि मैं किसी छोटी सी चीज़ की वजह से अपनी जान देने जा रहा हूँ, तो खुदारा आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? आपके साथ आपके जो जितने लोग कनेक्टेड हैं आप तो चले जाते हैं, लेकिन उनको किस तकलीफ में छोड़ के जाते हैं इसका अंदाजा है आपको? जरा सोचिए इस पर। और अनम दूसरी चीज़ ये है कि लोग इतने बेहिस हो चुके हैं कि जब नीचे कॉमेंट्स भी करते हैं उनके हाथ नहीं कांपते कि आपकी भी बहू बेटियाँ या माँ उसकी जगह हो सकती है। आप लोग ये नहीं सोचते जब आप लोग किसी बेटी के बारे में कुछ लिख रहे होते हैं तो आप लोगों का एहसास नहीं होता कि आपके साथ क्या होगा। जब आपके घरों में ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी और आपके घर में कोई ऐसी चीज़ होगी और नीचे क्या कमेंट्स लोग कर रहे होंगे, आपके दिल पे क्या बीत रही होगी? हकीकत बात है। और मैं इतना ही कहूँगी कि अभी जो ये केस चल रहा है, क्योंकि कोई भी केस जब तक वो कोर्ट में होता है तो उसको ये कहना कि वो सुसाइड है या मर्डर है वो नहीं कह सकते, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जिसमें फर्स्ट प्रिटेंट होता है कि वो सुसाइड है और बाद में जो है वो इतनी जैसे कहते हैं ना सफाई के साथ वो मर्डर होता है कि हमें भी पता नहीं होता। लेकिन एक जर्नली अगर सुसाइड की बात हो रही है तो हमारे इस्लाम के अंदर, मैं हमेशा इस्लाम की बात करती हूँ क्योंकि आप लोगों ने कुछ नहीं करना तो इस्लाम के खातिर ही एटलीस्ट फॉलो करें कि इस्लाम में खुदकुशी हराम है। आई जस्ट क्विकली से तीन चीज़ें कि अगर तो आप किसी इंसान के सुसाइड कर रहे हैं तो यू आर बीइंग अ टफर। देखिए सिंपल सी बात, 7 बिलियन लोग हैं और आपको लगता है कि वही एक इंसान था जिसकी वजह से मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, तो ये अपना ग्रो करें। नंबर टू, अगर आप पैसों की वजह से कर रहे हैं तो देखें रिस्क का वादा अल्लाह का है, अल्लाह ही देगा, आप भूखे नहीं सोएंगे, लेकिन क्या उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है। तीसरी चीज़, आप मजबूर हो गए, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास खाने के लिए आपके बच्चे भूखे बैठे हुए, तो मेरा एक फॉर्मूला पर्सनल मैं आपका शेयर करता हूँ आगे भी कि आप जैसे फॉर मुझे कोई कॉल करता है मैं उससे पूछता हूँ कि उसको पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं है, तो मैं उससे पूछूंगा कि क्या मैं आपका अकाउंट नंबर अपने आसपास लोगों पे लगा सकता हूँ, क्योंकि अगर कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है। तो अगर किसी को कोई बहुत ज्यादा देखें सेल्फ रिस्पेक्ट लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं जब वो कहते हैं पैसे मुझे चाहिए कुछ, ठीक है कोई बात नहीं आप कर लें बिकॉज आप मजबूर हैं उस टाइम, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो अगर आपका कोई जानने वाला है आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते तो उससे अकाउंट नंबर ले लें। ऐसे बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, सोल ब्रदर्स का एक ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप है, आपके अगर फॉलोइंग है थोड़े 100-150 लोग आपको जानते हैं आप लगा दें, बोलो भाई इसमें 500 या 1000 रुपये की तरफ से डाल दो, तो 50 लोग 500-500 डालेंगे तो 25,000 रुपये बन जाएंगे, उसका खर्चा निकल जाएगा, राशन निकल जाएगा, किराया निकल जाएगा। सो ऑलवेज ऑलवेज एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज के हैव फेथ इन अल्लाह, इंसानी खुदाओं से मांगना छोड़ दें और जो सिर्फ एक खुदा है उसी से मांगे। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।